निजी जेल कायम है। निजी जेलन में हिनन जा जिए हुकूमत सतह से थाना होंदा इन जहाँ भी निजी जेल मुख्तलिफ़ इलाक में होंदा जिते ही टॉर्चर सेल कंदा मानुन के तशद्दुद कंदा मुख्य समझ में नथो अचे त अस हिंसर 21वीं सदी में रहूं था पर हिंसर ताई अस पान के आजाद नथा महसूस करूँ। हिंसर ताई अस सागे गुलाम जे अग में गुलाम हुंदा हुआ मानू गुलाम हुंदा हुआ उन्हें अड़े तरीके से असें कंट्रोल में रखो वे तो मुझा भाईरो ही वाक्यो इंतहाई इंतहाई शर्मनाक है। खास तौर से जेके भी वडेरा जेके भी सरदार आन पान के पगदार समझन था पेरी नंबर यह शवाजे हुजन घुर्ज त अग में जी पगू बधराय वेंद हुई या सरदार मुंतखब किया वो हो तो उनको मतलब मकसद यो हों तो वो पैं राज कौम की हिफाजत के लिए पर ही तो असाज मत कहर थे नाजिल थे जो कहर खत्म ही को थे काफ़ी साल वी असाज मत ये कहर जीन लोकल सतह से असा वेही गैर कानूनी फैसला जिरगा ही था कन बे तरफ कानून असेंबलीज में वेही कर लेजिस्लेशन कन था कानून ये ठाइन था कानून की लताड़ भी पान ही कन था कानून ठाइंदड़ भी पान ही तो पे ये शे वाजे होजन घुर्ज पाकिस्तान में आया इतने ही जागीदाराना निज़ाम हलंदो पांजा हर कोई पांजा उताकुन ते फैसला कंदा या अदालतुन में भी कोई फैसला थींदा। अगर अदालतुन में फैसला नाहिन करना कानून ठाइन वारा पान पांजी अदालत घर में लगाई बैठा तो मां समझाती जुडिशरी के